वेलकम टू टेक्नो इंस्टीट्यूट जमशेदपुर झारखंड। आज हम लोग HVAC के बैच नंबर 16 में हैं, ये क्लासरूम में हैं। अब हम यही कहना चाहेंगे कि सब लोग एक ही उद्देश्य से जमशेदपुर आए हैं, यहाँ टेक्नो इंस्टीट्यूट का एडमिशन लिए हैं। यहाँ आने का पर्पस एक ही होता है कि ट्रेनिंग करें, उसके बाद हम जॉब हमें प्राप्त हो। अब HVAC के हम लोग आपको मिलाते हैं हमारे फैकल्टी गौतम कुमार रॉय सर, ये आप लोग को मोटिवेट करेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। कामयाबी की कोई सीमा नहीं होती क्या? कामयाबी कोई सीमा नहीं। आप इंटरव्यू निकाल लिए, आपका नौकरी हो गया, वहाँ ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ से शुरुआत है। आपको वहाँ टिकना है और आगे और कामयाब होना है। हर साल सैलरी बढ़ेगा, एक पहली बात है। दूसरी बात है, क्या बोलते हैं अपने मुँह में आप रितु क्या बोलते हैं, पैसा नहीं लेकिन सच्चाई। देखिए, इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊँ, मेरे 4 साल से ज़्यादा हो गया है इस इंस्टीट्यूट का। पहली बात है, इस फायदा क्या है आपको, इस इंस्टीट्यूट में फायदा क्या हुआ कि आपका संख्या कम है क्या? दूसरा, इंस्टीट्यूट में 120 बंदे हैं, 120 स्टूडेंट एक साथ बैठते हैं, तो बोलिए कैसे होगा? तो होगा ही नहीं। 5-10-15 ही इंटरेक्शन कर सकता है, बाकी तो इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक से सुनता भी नहीं होगा, पढ़ता भी नहीं होगा। और आप में से बुरा नहीं मानी है, मैं सच बोल देता, 27 में 2-4 शैतान है। ये 120 में कितना शैतान होगा सोची? अपने भी पढ़ता नहीं, दूसरे को भी नहीं पढ़ने देता है। तो आपको ये सुविधा है कि 120 स्टूडेंट नहीं होता है, 25-26 ही होता है, क्योंकि आपको इंटरेक्शन का पूरा मौका मिलता है, सवाल करने का, जवाब मांगने का। यहाँ जो प्रैक्टिकल की सुविधा है, हम दावे के साथ कह सकते हैं पूरे जमशेदपुर में कोई इंस्टीट्यूट में नहीं है जो साइट विजिट कराता हो, कोई चिलर प्लांट दिखाता हो, चिलर प्लांट का मॉडल बना के दिखाता है, फोटो दिखा देता है, कुछ दिखा देते हैं, लेकिन साक्षात एक चिलर प्लांट सामने है, कंप्रेसर कैसा देखने होता है, फोटो में देखना और हकीकत में जहाँ है वहाँ देखने में बहुत आसमान-जमीन फर्क है। तो क्या होता है, मन में एक धारणा पैदा हो जाते हैं। इंटरव्यू में आप बढ़िया से जवाब दे सकते हो कि हमने देखा यानी काम किया, देखा यानी काम किया। आपने मनोहर भाई का वो देखा मैंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में कि उस हॉस्पिटल का इसी प्लांट में वो काम किया है, एयर कंडीशनिंग में। तो क्या होता है कि इससे आपका जो है ना थोड़ा हौसला क्या जवाब देने का कि हमने देखा, नहीं देखा होता तो आपको हौसला उतना नहीं होता कि हमने देखा ही नहीं कैसे जवाब। कभी कोई स्टूडेंट मजाक से बोलता, सर हम तो काम किए ही नहीं, कैसे बोल देंगे काम किया हुआ है? ऐसी नहीं है, आप अपने को सोचो काम किया हुआ है, मशीन के सामने खड़ा है या नहीं, उसमें काम किया है। काम तो रोज रोज नहीं होता है, मेंटेनेंस होता है क्या? हर चीज का मेंटेनेंस आपको बताया गया, प्लांट रूम में क्या मेंटेनेंस करते, कूलिंग टावर मेंटेनेंस करते और HU में क्या मेंटेनेंस करते, दैट्स ऑल। ये तीनों चीज पूछेगा, तीनों चीज पूछता है, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़िया से जो है ना याद कर लीजिए, क्या लिखवा भी दिया जी, या आपस में चर्चा करिए कि आप बोलिए एक बार, कुछ छूट जाए तो दूसरा आपको याद दिला दे, देखो तुम ये बात छोटी है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में बहुत ताकत होता है क्या जी सर? आप लोग करते होंगे, दोनों करता होगा हमको लगता है, इसलिए लोग और थोड़ा ज़्यादा औजार में शान दिया है, ये औजार में शान देना होता है जी सर। ग्रुप डिस्कशन बार बार बोलते हैं, आप लोग ग्रुप डिस्कशन करिए, आपस में चर्चा करिए इसके बारे में, इसी के बारे में, दूसरा नहीं। बस दुआ करता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए अच्छे से। ये हमारे गौतम सर जिन्होंने अपना मूल्यवान बातें आप लोगों के बीच रखा, बहुत ही मतलब आदर्श वाली बातें ये करते हैं गौतम सर, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ये गौतम सर जो है अपना वर्किंग एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के बीच में। उनका वर्किंग एक्सपीरियंस अराउंड 40 ईयर्स है, मोर देन 40 ईयर्स है, 73 साल, 73
1973 से आज 2015 तक काम किया। सन 1973 से सन 2015 तक सर टाटा स्टील में काम किए हैं एज ए एचपीसी डिपार्टमेंट में, चिलर प्लांट में ही इनका एक्सपीरियंस है ज़्यादातर। और उसके बाद उससे पहले से ही वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दे रहे थे स्टूडेंट्स को, मतलब ऑन द जॉब, जब वो ऑन जॉब थे टाटा स्टील में उस पर कुछ टाइम से वो ट्रेनिंग भी दे रहे थे। ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी इनका 20 साल का अराउंड है, 30 ईयर्स, मोर देन 30 ईयर्स ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी गौतम सर का है, मोर देन 45 ईयर्स इनका वर्किंग एक्सपीरियंस भी है। तो अपने हिसाब से शेयर करते हैं स्टूडेंट्स को, अपना जो एक्सपीरियंस है उसे डे बाई डे आपको थ्योरी क्लास में भी वही शेयर करते हैं, हम लोग तो वही देखे हैं। इनका जो थ्योरिटिकल क्लास होता है वो भी प्रैक्टिकल जैसा ही होता है, प्रैक्टिकल क्लास तो प्रैक्टिकल जैसा होता है, आपको खुद से हैंड्स ऑन करना है, लेकिन जो बात इनका सुन रहे हैं थ्योरी में उस चीज़ को माइंड पे आप एब्जॉर्व कर रहे हैं, आप ऑब्जर्वेशन से भी बहुत कुछ सीखते हैं, आपका ऑब्जर्वेशन से बहुत सारा नोट्स आप लोग खुद से बनाते हैं और तैयार करके आप आगे अपना कंप्लीट कर रहे हैं। तो ओवरऑल यही हम लोग का है, अच्छा अलहमदिल्ला चिलर प्लांट विजिट भी होता है साथ साथ, और बहुत सारे स्टूडेंट हर महीना 7-8 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट गल्फ कंट्री जा रहे हैं, चाहे हमारे द्वारा जाए चाहे अपने से खुद के द्वारा जाए, बट अलहमदिल्ला सिलेक्शन हो रहा है। तो क्रेडिट तो सर को जाता है, इंस्टीट्यूट को भी जाता है कि अच्छा टीच कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जो हो सकता है कोशिश किया जाता है प्रोवाइड करने के लिए। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी बेसी रहता है, 100% परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, लेकिन कोशिश तो रहता है कि नहीं पूरा फुलफिल करें। थैंक यू। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कौन कौन सा ट्रेनिंग कराया जाता है। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, बीई, बीटेक के क्वालिफिकेशन को देखते हुए बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराया जाता है, जैसे कि पीएलसी एंड स्काडा प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, एचबीएसी इंजीनियर, एचबीएसी टेक्नीशियन, बीएमएस टेक्नीशियन, बीएमएस ऑपरेटर, सीसीटीवी टेक्नीशियन, सीसीटीवी ऑपरेटर, इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल टेक्नीशियन, मैकेनिकल फिटर, वेल्डर, लैंड सर्वेयर, सिविल फोरमैन, ऑटोकैड ड्राफ्ट्समैन, क्रेन ऑपरेटर, एक्सकवेटर ऑपरेटर एंड जेसीबी ऑपरेटर। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेनिंग से रिलेटेड और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का लैब आपको बेहद पसंद आया होगा, और मैं ये भी बता दूं कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जिस भी ट्रेड में ट्रेनिंग दिया जाता है उसका भी लैब बहुत अच्छे से सेटअप किया गया है, क्योंकि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है, जो यहाँ के स्टूडेंट्स को स्किल्ड और कॉम्पिटेंट बनाता है, जिसके बिना पर यहाँ के स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली किसी भी कंपनी में जाकर इंटरव्यू देते हैं और इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने कैरियर को लेकर चिंतित हैं और जॉब के लिए परेशान हैं, तो आइए आपको हम ट्रेनिंग देकर जॉब करने के लायक बनाएंगे। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, आप सभी का ये अधिकार है कि आप एक कामयाब जिंदगी गुजारें। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए आपके पास एक अच्छे जॉब का होना बहुत जरूरी है, और आज के इस कॉम्पिटेटिव टेक्निकल दुनिया में आपको जॉब तभी मिलेगा जब आपके पास टेक्निकल नॉलेज होगा। तो आइए आपको हम टेक्निकल ट्रेनिंग देकर जॉब करने के लायक बनाएंगे। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास स्किल होगा तो आपको जॉब डेफिनेटली मिलेगा। तो आइए काम सीखें और देश विदेश में नौकरी पाएं। तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और अगर हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर ले, ताकि कोई भी जॉब से रिलेटेड या ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि ये वीडियो हर जरूरतमंद तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।